औकेदर नमस्ते आदाफ सीए संकल्प कांसठिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में पब्लिक क्या बोलता है कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो लेट द गेम बिगिन चलो सो चालू 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 यस yes, सो so, अपन लोग ने कल का सेशन सो so, देखो आप लोग देख रहे हो फर्स्ट सेशन वन आवर सेकेंड सेशन वन एंड हाफ आवर आज का सेशन अराउंड टू आवर्स का लूंगा सो दट धीरे 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 अपन लोग वी आर गेटिंग यूज टू दब्जेक्ट वी आर गेटिंग यूज टू सिटिंग मोर एंड इवेंचुअली अपने को पहुंचना है थ्री आर्स पे एंड फिर वो डेडिकेशन वी हैव टू कैरी ऑन टिल दी एंड चलो गाई सो नाव यो वी आर एट दिस फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर उसके पहले क्यों ना फटाफट रिवाइज कर लेकली रिवाइज वॉट से गाइस ये नाउ टेल मी वाली डन सो फॉर सो कैन आई से फर्स्ट डे पे आप लोग को मैंने बताया था दैट हाउ वी हैव डिवाइडेड दिस सब्जेक्ट इन टू डिफरेंट डिफरेंट फेजिस राइट सो फॉर द होल वर्ल्ड ए एफ एम विल है फिफ्टीन चैप्टर्स बट फॉर अज we will have four phases so we have divided sfm afm into four phases phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 okay so from now on you know if if you are a sk student sankalp conscious student then in that case we do not have 15 chapters in afm we have four phases in afm first phase consists of mutual funds portfolio valuation of securities phase 2 consists of forex international financial management derivatives international uh, interest rate risk management phase 3 consists of mergers and acquisitions business valuations advanced capital budgeting guys and the fifth phase, fourth phase consists of all theory chapters uh, probably like a securitization startup finance financial policy and corporate strategy risk management and corp uh,

कब कौन सा शेयर या फॉर दैट मैटर कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी कब कौन सा पर्टिकुलर uh, कमोडिटी अंडर परफॉर्म करेगी ऑल ऑफ दैट वॉज अ पार्ट ऑफ आर सेशन येस्टे क्या मैं अगर आपको अभी पूछता हूं कि कोई भी आरबीआई गवर्नर के दो मेजर रोल्स क्या होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को दो चीज अगर मैनेज करनी है मेजरली तो वो क्या होती है विल यू बी एबल टू आंसर मी गाइज बॉयज एंड एंड गर्ल्स लेडीज क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे अरे मेरे सवालों का यस yes, जवाब दो बोलो सो वॉट इज इट गोइंग टू बी कैसे आप ये पूरे के पूरे सेक्शन uh, को सो गाइज आई होप फर्स्ट टू सेशन आप लोग ने अटेंड कर लिया हो बिकॉज एवरी डे न्यू पीपल आर ज्वाइनिंग इन सो इवन इफ दो यू आर अ फर्स्ट दिस इज फर्स्ट क्लास प्लीज पहले के जो दो सेशन है वो सुन लेना टम so एक, एक आप लोग का सेट हो जाए एंड देन यू आर ये वेरी गुड मिस साहू रिंक okay, चलो अभी नाउ यू है ठीक है बट आप लोग को आंसर देना है मुझे कि क्या एग्जैक्टली exactly एक आरबीआई गवर्नर का रोल होता है आपको अगर उठ के कल उठ के आरबीआई गवर्नर बना दिया देन इन दैट केस क्या दो मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है टू आंसर ऑन द चैट बॉक्स देखो इफ यू आर अटेंडिंग अ लाइव बैच देन द होल इंटेंशन ऑफ लाइव बैच इज सो दैट यू कैन आस्क योर डाउट्स सो दैट देयर इज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन अस राइट सो लेट्स कम्युनिकेट जितना आप लोग आंसर दोगे उतना मैं आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूंगा एंड दैट्स हाउ वी विल ग्रो ओवर दिस सब्जेक्ट चलवी टलवी करेक्ट एज आरबीआई गवर्नर मेरे पास दो मेजर काम होते हैं एक टू मैनेज एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड इस इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मैं एज आरबीआई गवर्नर यूज करता हूं कुछ चीजों का जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट ठीक है दो कंट्रीज जो इन चीजों को बराबर से मैनेज नहीं कर पाई एंड हैड अ बिग बिग प्रॉब्लम करेक्ट जपैन क्विन मैनेज द इंटरेस्ट रेट हैड अ प्रॉब्लम ऑफ एसेट बबल राइट इन्फ्लेशन वॉज नॉट मैनेज प्रॉपरली बाय जिम्बाब्वे राइट एंड अगेन they had to decontinue, discontinue their currency. they had to almost discontinue their own currency because the currency had lost value. you know, just draw one trillion dollars of zimbabwe money could bring you a loaf of bread. i see currency. so it was decided better to discontinue. but. अपने को इससे क्या सीखने को मिला इज ऑलवेज दैट यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स ठीक है सो वी हैव दैट वी नीड टू मैनेज बोथ ऑफ देम क्या इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट प्रॉपरली अपने को मैनेज करना है चलो आओ लेट्स लेट्स ट्राई टू मैनेज देम सो एज आर बी आई गवर्नर एज आर बी आई गवर्नर सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है मेरे लिए एज आरबीआई गवर्नर सबसे बड़ा कंफर्म सबसे बड़ा इशू यू कैन से या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मेरे लिए क्या होता है सबसे बड़ा ये होता है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा बोलो बोलो चल चल अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहला काम देखो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है पता है क्या बिकॉज लिक्विडिटी मार्केट में मैनेज नहीं हो पा रहा है सो सेकंड थिंग वॉट आर यू गोइंग टू डू कमॉन गाइज कमॉन देखो रिप्लाई देते जाओगे एंड कम्युनिकेट करते जाओगे सो दैट आई विल बी इज ऑल्सो एबल टू रिवाइज प्रॉपरली अदरवाइज मेरे को रिवाइजिंग इफ दे आर नॉट रिप्लाइंग सो कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीबडी आई मीन मीनू पीपल आर ऑब्वियसली रिप्लाइंग वेरी नाइस वेरी नाइस एंड रिंकी डायरेक्टलीस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बट फर्स्ट एड्रेसिट इनके आई है लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए आई विल फोकस ऑन द इंटरेस्ट रेट अगर आप लोग न्यूज पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको रियलाइज होगा दैट हाउ कनेक्टेड दीज थ्री थिंग्स आर कितना रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरी भी अनाउंस होता है ठीक है यू नो द फोकस ऑन ऑन इज थ्री थिंग्स खाली इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का ठीक है यूएसए का जो फेड है फेडरल रिजर्व जैसे बोलते हैं जैसे अपने का होता है ना अपना आरबीआई होता है ना वैसे उनका फेडरल रिजर्व होता है सो so, जब उनका कोई भी इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड अनाउंसमेंट आता है पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी उसके ऊपर कनेक्टेड होता है एक कहावत है व्हेन अमेरिका स्नीज़ेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्नीज़ेस, द होल वर्ल्ड कैच कोल्ड यस सो ऐसा सिनारियो है राइट तो इंटरेस्ट रेट कहीं का भी मतलब इंपैक्ट uh, आता है उसका तो अदर यू नो इकोनॉमी आल्सो गेट कनेक्टेड सो इंटरेस्ट रेट अगर मैंने बढ़ा दिया देन इन दैट केस मेरे को कैन आई से बाकी जगहों पे इंपैक्ट आएगा टेल मी व्हाट विल बी द इंपैक्ट व्हाट विल बी द इंपैक्ट एवरीबॉडी कैन आई से मेरा जो रियल एस्टेट मार्केट है क्या होगा मेरे रियल एस्टेट मार्केट का मे गो डाउन ओके उसके बाद उसके बाद सीमेंट स्टील क्यों क्योंकि ये सारे रियल एस्टेट से कनेक्टेड है ये सारे के सारे नीचे जा सकते हैं इंफ्रा विल गेट अफेक्टेड बिकॉज अब मेरे को लोन नहीं लेना है मैंने लोन नहीं लेना है क्योंकि अगर मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है देन इन दैट केस मैं लोन लूंगा देन इन दैट केस उस लोन के ऊपर मुझे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और अगर मैंने उस लोन के ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया अगर मैंने उस लोन के ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया तो मेरा आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक लोन इफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक लोन मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा रियल एस्टेट पावर सीमेंट स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड दे मे गो डाउन दे मे गो डाउन अब इसी के सामने इसी के सामने आ जाओ नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर सो so, अगर इन्फ्लेशन डाउन लिक्विडिटी डाउन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से ये डाउन है बट देर विल बी फ्यू सेक्टर्स विच विल गो अप कौन सा है वो यस वेरी गुड वेरी गुड सो फार्मा पॉजिटिव हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यहां पे आप पब्लिक इन्वेस्ट करना चालू करेगा इनका डिमांड बढ़ेगा एंड दे विल इंक्रीज ओके व्हाट विल हैपन टू द कमोडिटीज जैसे कि डॉलर है जैसे कि गोल्ड है जैसे कि क्रूड ऑयल है जैसे कि बॉन्ड्स है टेल मी गाइस करेक्ट करेक्ट सो सर डॉलर पे क्या इंपैक्ट आएगा सर डॉलर विल गो गो अप ओके गोल्ड एंड क्रूड ऑयल इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो को अपन इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बड़ा है तो क्रूड एंड गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा बॉन्ड्स याद रखना वैल्यू डिक्रीजेस क्या ये पूरा सिस्टम आप लोगों को कनेक्शन याद से, से, सेट हो गया दिमाग में राइट दिस इज हाउ प्रॉबली एन फंक्शंस एंड इसी के साथ अपन लोग ने क्विक रिविजन भी कर लिया है जो अपन लोग ने लास्ट एक दो सेशन में किया था नाउ इज द टाइम टू मूव टू आवर फर्स्ट चैप्टर और इस फर्स्ट चैप्टर का आइडियली मैं नाम ना लू और आप लोगों को सीधा कॉन्सेप्ट समझाऊ बट रादर आई विल राइट इट डाउन चैप्टर का नाम है म्यूचुअल फंड जी हा चलो सुनाओ so क्या है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये गारंटीड आपके अटेम्प्ट गारंटीड इट इज गोइंग टू कम फॉर टेन मार्क्स वेटेज अगर मेरे को लिखना है मिनिमम वेटेज तो टेन मार्क्स दिस विल कम इन योर एग्जाम ठीक है एट टू टेन मार्क्सर चल डन बोलो बोलो चल 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 यस सर समझ में आ गया मिनिमम वेटेज एट टू टेन मार्क्स का है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्मार्टली मेड चैप्टर एंड ये एक चैप्टर है जो अपने को प्रैक्टिकली डायरेक्ट इसका यूसेज दिखेगा ठीक है इफ इफ यू ऑब्जर्व द म्यूचुअल फंड्स देखेंगे कि कैसे क्या फंक्शन कर रहा है अपने को डायरेक्टली उसका इंपैक्ट दिखना चालू हो जाएगा बट एक्जैक्टली exactly क्या होता है ये म्यूचुअल फंड्स कौन है ये लोग कहां से आते हैं चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं वेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अव यू ऑलरेडी गाइस चलो लेट्स स्टार्ट नाउ देखो हर एक चीज इन दिस सब्जेक्ट एफ एम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम ही देखो क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंसिस को मैनेज करना है इट कुड बी योर ओन फाइनेंसिस इट कुड बी योर क्लाइंट फाइनेंसिस ठीक है कुड बी एनीथिंग अगर आपको आपके क्लाइंट का का फाइनेंस अगर आपको आपके खुद का फाइनेंस मैनेज करना है देन इन दैट केस आप मुझे बताएंगे क्या क्या इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज है मेरे पास आपके पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज क्या क्या है सोच समझ के बताओ चलो एवरीबडी थिंक एन टेल मी यस वेरी गुड वेरी गुड एफ डी एम एफ आर डी शेयर डिबॉन्चर्स बॉन्ड्स इक्विटी शेयर वेरी गुड ओके ओके सो मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं दैट सर अगर मुझे आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करना हो अगर मेरे को आज की तारीख में और एक दो चीजें जो आप लोग को दिमाग में आ रही है यस वेरी गुड रियल एस्टेट वेरी गुड एनपीएस पी एस ओके गोल्ड सिल्वर हम्म सो अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है देन इन दैट केस आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है व्हाट आर दोज अपॉर्चुनिटीज आप बोल रहे हो सर इक्विटी शेयर्स है सबसे हॉट केक जो सुनने में एकदम अच्छा लगता है दूसरा है आप इन्वेस्ट कर सकते हो सर गोल्ड में सर आप इन्वेस्ट कर सकते हो सर रियल एस्टेट में अगर आपके पास पैसा है तो क्यों अगर आपके पास पैसा है तो आप बॉन्ड्स डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अरे हाँ कि ना देखो अब मेरा पॉइंट क्या है पता है क्या कि अगर आपको ये चारों पे या अदर्स भी चलो एट सेक्ट्रा भी डाल देते भाई एट सेक्ट्रा और बहुत सारी चीज है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सर एफ है फिक्स डिपॉजिट है उसमें भी कर सकते हो कोई बट अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ठीक है अब समझो इक्विटी शेयर्स ऊपर गया रियल एस्टेट मार्केट नीचे गया गोल्ड वापस नीचे गया बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ऊपर गया भाई ये सब चीज को मैनेज भी तो करना पड़ेगा क्या आपके पास उतना टाइम है सर हमारे पास कैसे टाइम है हम तो सर सुबह मॉर्निंग सेवन टू टेन आपका क्लास उसके बाद में आर्टिकल शिप टेन थर्टी टू सेवन थर्टी उसके बाद घर पे आओ क्लास में जो करवाया उसका रिविजन एंड देन गो टू साउंड स्लीप मॉर्निंग में एकदम भाग भाग के उठो एंड देन वापस क्लास आर्टिकल शिप सो ऑन एंड सो फोर्थ सो इतना कहीं ना कहीं एक्टिक लाइफ है सर हमारा दैट वी नीड टू मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है सर अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो हम उसको मैनेज कर ही नहीं पाएंगे एंड दैट इज वेर आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रोफेशनल की हाँ या ना मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाई इक्विटी शेयर है कॉन्स्टेंट तो रहने नहीं वाला है बढ़ेगा कम होगा गोल्ड है कॉन्स्टेंट तो रहने नहीं वाला है बढ़ेगा कम होगा सो so अगर ऐसा सीनारियो है देन इन दैट केस इसको यार मैनेज तो करना पड़ेगा कि नहीं पब्लिक इसको यार मैनेज तो करना पड़ेगा कि नहीं पब्लिक तो अगर इसको मेरे को मैनेज करना है देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू क्योंकि आप तो बिजी हो एंड सेम चीज ट्रस्ट मी मेरे साथ भी होता है आपको लगता होगा यार एक बार सीए बन जाऊंगा ना एक बार सीए में बन जाऊंगा ना मेरा एग्जाम क्लियर कर लूंगा ना फिर तो मैं ये सब चीज एकदम इजीली मैनेज कर पाऊंगा ठीक है सो ओ ओ रिंकी बोल रही है सर स्टाइपेंट से तो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे अरे ऐसा सोचो ना संकल्प सर ने आपको पैसा दे दिया जाओ मैनेज करो करोगे क्या कर पाओगे क्या टाइम ही नहीं है आपके पास फ्रेंकली बोलता हूं मेरे पास भी वो टाइम नहीं है सीरियसली बोल रहा हूं मैं आज मेरे पास हर एक यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, गोल्ड रियल एस्टेट बॉन्ड डिवेंचर सबका नॉलेज है बट टाइम नहीं है मैं भी तो सुबह सेवन टू टेन लेक्चर्स ले रहा हूं उसके बाद टेन थर्टी टू वन थर्टी मेरा और एक दूसरा इंटर का भी बैच है उसका बैच लेक्चर चालू है सो समझो सेवन टू टेन लेक्चर लिया टेन थर्टी टू वन थर्टी लेक्चर लिया टू ओ क्लॉक तक से फॉर एग्जाम्पल मैंने यही तो तो सब आराम कर थोड़ा सा आ, दो से तीन जस्ट रिलैक्स कर लिया भाई माइंड को इतना पढ़ाया सुबह से तो फिर थ्री ओ क्लॉक टू सिक्स ओ क्लॉक वापस से काम किया सेवन ओ क्लॉक फिर बाद में घर पे गए थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया एंड द डे इज़ ओवर मैं भी कहा टाइम निकालू ये सबके लिए एंड दैट इज वेर यू नीड अ प्रोफेशनल यू नीड अ प्रोफेशनल जिसके पास हार्ड कोर प्रोफेशनल जिसके पास दो चीज हो टाइम भी हो एंड नॉलेज भी हो इसको मैनेज करने का एंड ये चीज को मैनेज एंड टाइम के वजह से जो कर पाता है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल फंड्स मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या करेगा पता है आपका ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देगा बट इसको मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो मैं भी कर दूं, बट इसको मैनेज करने के लिए मेरे पास नॉलेज भी है बट टाइम नहीं है जो बंदा इसके पास दोनों ये चीज रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ फंड्स मैनेजर प्रोफेशनल होता है वो फंड्स मैनेजर जो ये सब चीज को मैनेज कर पाएगा ये कॉन्सेप्ट की वजह से इट गेव राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड जो सारी जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट भी करेगा और प्रोफेशनली उसको मैनेज भी करेगा गिविंग यू अ वेरी गुड रिटर्न जिसके लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आपने अब आप प्रोफेशनल को हायर कर लिया है उसका यह जिम्मेदारी है ही विल बाय एंड सेल एट द राइट टाइम एट द राइट क्वांटिटी सो so दैट आपको बेनिफिट हो जाए तो सर क्या वो खाली मेरा ही काम करेगा क्या वो मेरा ही इक्विटी शेयर्स गोल्ड रियल एस्टेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को मैनेज करेगा क्या ऐसा होगा क्या बोल भाई प्रोफेशनल तो चाहिए प्रोफेशनल तो चाहिए ये मैनेज करने के लिए तो समझ गया बट क्या वो मेरा ही करेगा क्या तो आप मुझे बताओ क्या ये फाइनेंशियली फीजिबल होगा कि वो खाली आपका ही फंड मैनेज करे भाई अगर आप अडानी या अंबानी है तो हाँ होगा क्योंकि आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए और उसको आप फीस भी उतना देंगे बट आप और मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको ये सब में इन्वेस्ट करने का शौक है जिनको ये सब में इन्वेस्ट करने की एक इच्छा है बट अपने पास इतना भी पैसा नहीं है कि अकेला एक आदमी ये सब चीजों को मैनेज करे एंड दैट इज वेयर कैन आई से और भी लोग अपने साथ जुड़ते जाएंगे कैन आई से अपने जैसे और भी लोग हैं जिनको ये सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना है रिटर्न करना है बट उनके पास भी टाइम नहीं है उनके पास भी शायद नॉलेज नहीं है एंड दैट इज वेयर सो मेनी पीपल हुई कैटेगरी कम टूगेदर एंड ये सारा का सारा पैसा जब ये इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं ये पैसा हम लोग देते हैं एक कंपनी को वो कंपनी प्रोफेशनली इस पैसे को मैनेज करती है एंड अपने को एक एक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न लाके देती है उस बेसिकली चीज को बोलते हैं म्यूचुअल अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस समझ में आया लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे क्यों आया ये कॉन्सेप्ट देखो कभी भी ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिस्ट्री कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे क्यों हो रहा है ठीक है सो लाइक माइंडेड पीपल जिनके पास टाइम एंड नॉलेज नहीं है शायद नॉलेज होगा टाइम नहीं है बट उनको ये सब जगह पे इन्वेस्ट करना है पर उनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है बट उनको एक लिमिटेड सम इन्वेस्ट करना है एंड रिटर्न भी अर्न करने हैं ये सब एंड देट इज वेयर म्यूचुअल फंड कम्स इन टू द पिक्चर म्यूचुअल फंड कम्स इन टू दिक्चर अभी अंडरस्टैंडिंग अब अब इन्वेस्टमेंट तो मुझे करना है ठीक है सो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है कि भाई देख एक ही आदमी तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फिजिबल कि भाई इतना एक ही कितना कर पाएगा देर फॉर कलेक्टिवली जब मेनी पीपल कम टूगेदर विथ दियर लिमिटेड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बट जब यह कॉमन पुल बन जाता है और यह कॉमन पुल साथ में इन्वेस्ट होता है और कॉमन रिटर्न आता है दैट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड क्या आप लोग को समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या होता है आप लोग ने इसके बारे में सुना भी होगा श्योर आप लोग को एक आइडिया भी होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड बट मेरे को तो बेसिक से पढ़ाना है सो आई विल टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स यू डोंट हैरी एल्थ राइट 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 गाइज ठीक है तो क्या सीखा अपन लोग ने कि देखो क्या सीखा अपन लोग ने दट

ठीक भाई कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल बराबर है हु वॉन्ट टू इन्वेस्ट सो उनके पास इन्वेस्टिबल है हैविंग इन्वेस्टिबल फंड्स ये जो इन्वेस्टिबल फंड्स है गाइस ये जो इन्वेस्टिबल फंड्स है इस इन्वेस्टिबल फंड्स के ऊपर दे रिक्वायर अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न सो विद अ डिजायर टू अर्न अ रिटर्न बराबर है बट क्या इन लोगों के पास टाइम एंड नॉलेज है सो so, या तो टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है या हो सकता है टाइम है नॉलेज नहीं है हो सकता है टाइम नहीं है नॉलेज है सो एनी ऑफ दीज कैटेगरीज इफ इफ दे फॉल इन टू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज देन इन दैट केस कैन आई से वी विल इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड सो इन लोगों के लिए कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्टेबल फंड है डिजायर अ रेट ऑफ रिटर्न वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स so, वो भी लिख देता हूं वांट टू इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स जैसे 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 With sectors okay. like equity shares, gold, uh, real estate, bonds, etc. Right. But जिन लोगों के पास टाइम या नॉलेज दोनों में से एक चीज नहीं है ये सब इन्वेस्ट करते हैं पे इन द म्यूचुअल फंड सो ये ये बेसिकली ये लोगों को मैनेज करने के लिए टू मैनेज द अब क्राइटेरिया म्यूचुअल फंड्स वर डेवलप समझे बेस लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि क्यों आया ये म्यूचुअल फंड टू मैनेज above criteria to manage above criterias concept of mutual funds was introduced concepts concept of mutual funds was introduced चलो गाइस प्लीज कॉपी कमान कॉपी ओके 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 सो क्लियर टू लियोर एवरीबॉडी समझ में आया इतना अपने को तो क्यों आया अब मैं आप लोग को थोड़ा इसका हिस्ट्री बता हूं नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड वुड यू वांट टू नो द हिस्ट्री एज वेल सो इट्स माय हैबिट दैट यूजुअली आई टेल हाउ द थिंग्स स्टार्टेड सो दैट यू गेट अ कनेक्ट ट कैसे कोई भी चीज स्टार्ट होती है ठीक है सो इट ऑल स्टार्टेड प्रॉबली इन दिन सेवनटी फोर इन नेदरलैंड यस ठीक है एंड वहां पे ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ ऑफ म्यूचुअल फंड अल टेल्यू कम है ठीक है सो सेवनटीन सेवनटी फोर ये सो लॉन्ग सो लॉन्ग बैक वॉट टू फिफ्टी ईयर्स बैक थ्री हंड्रेड इस बैक वा so 1774 mein, there was a person called as mr. Ven Catwich. we will call him v.k. okay i've bought some history of this whole mutual funds for you so that you get an idea of how does all this work out so there was a person called as mr. Ven Catwich. you hey guys i'm asking you do you really want to know the history of mutual funds or do you want to directly start sir we have understood what is a mutual fund Broadly, we have understood it. So you directly want to go ahead with it, or you would want to know the history a little, and then we move on to the uh, the main concept that is going to be there for the exam. Obviously, tell me, guys, want to know? That's great to know. Okay, okay, okay. People want to know. So there was a person, Mr. Van Catwich. He is basically, you know, credited. के भाई हाँ इस बंदे ने स्टार्ट किया था होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को यस hmm. yes, चलो सो मिस्टर वीके वी विल कॉल हिम मिस्टर वीके ही वाज़ फ्रॉम नेदरलैंड्स हैव यू ऑफ़ दिस प्लेस नेदरलैंड्स इट्स इन यूरोप सो ही वाज़ फ्रॉम नेदरलैंड्स नाउ ये रियलाइज किया इस पर्सन ने दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव मनी

आई हैव अ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री तो उसने बोला आई हैव अ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ फाइनेंस प्लस आई हैव इनफ टाइम टू इन्वेस्ट आई हैव इनफ टाइम टू इन्वेस्ट इन द फाइनेंस मार्केट सो दैट इज वेर द होल कॉन्सेप्ट बिगेन तो इसने लोगों को पिच करना स्टार्ट किया और बोला कि ये सब करने के लिए आई विल चार्ज यू अ फीस मैं आप लोगों को एक पैसा दूंगा यू कैन कॉल दिस एज अ प्रोफेशनल फीस ठीक है बट फॉर दिस प्रोफेशनल फीस आई विल गिव यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज वेयर पीपल थॉट दैट येस दिस इज वॉट वी वॉन्ट ये तो अच्छा आइडिया है भाई हम को रिटर्न्स चाहिए ये रिटर्न ला के दे रहा है सामने एक थोड़ा सा प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा नो प्रॉब्लम बट एट लीस्ट बोथ ऑफ द थिंग्स प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ फाइनेंस प्लस ही टाइम सो जब ये सब चीज कंबाइन हो गई एक्चुअली फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड डेवलप हुआ एंड मिस्टर वीके ने क्या किया पता है कैसे ये सब सिस्टम स्टार्ट किया तो वीके ने बोला कि ऐसा करता हूं मैं कैसे मैं फंड्स लू कैसे मैं फंड लू आ, अपने शेयर होल्डर्स के पास से या जो भी इन्वेस्टर है उसके पास से सो so, उसने क्या किया पता है वो टाइम पे ही इशूड जस्ट लुक एट दैट विजन ऑफ दैट पर्सन की आज भी वो चीज यूज हो रही है उसने अप्रोक्सीमेटली एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन टेन एकदम एग्जैक्ट फैक्ट नहीं दूंगा मैं बट अप्रोक्सीमेटली उसने टू थाउजेंड उसने टू थाउजेंड यूनिट्स इशू किए अब ये सर टू थाउजेंड यूनिट का मतलब क्या हां उसने तब भी बोला कि बॉस वन यूनिट वन यूनिट इज इक्वल टू रूपीज वन थाउजेंड वन यूनिट विल बी इक्वल टू रूपीज वन थाउजेंड तो जिसको भी इन्वेस्ट करना है थाउजेंड आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ठीक है ना इंडियन टर्म्स में रूपीज में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं उतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब आपके ऊपर है आपको कितने चाहिए हो सकता है किसी को 5, रुपीस इन्वेस्ट करना है अगर किसी टेन थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट करना है होल गेम स्टार्टेड दिस इज हाउ द होल गेम स्टार्टेड एक यूनिट रूपीज वन थाउजेंड ठीक है एक यूनिट इज इक्वल टू रुपीज वन थाउजेंड और उसने क्या बोला पता है क्या जिसको भी ये यूनिट चाहिए आप लोग को मैं एक डेट देता हूं और वो डेट पे ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो से फॉर एग्जांपल उसने डेट दिया से फिफ्टींथ अगस्त से लेकर ट्वेंटी ऑगस्ट उसने बोला ट्राई टू सब्सक्राइब

फंड एंड वन थाउजेंड पर यूनिट का हुआ सो टोटल कितना हो गया बोलो बोलो चल चल टोटल हो गया रुपीज ट्वेंटी लाख अब इस बंदे के पास ट्वेंटी लाख रुपीज आ गया है क्या ना इसे ये एक अच्छा अमाउंट है ये ट्वेंटी लाख को उसने इन्वेस्ट करना चालू किया और इस ट्वेंटी लाख के पास से जो रिटर्न आया वो उसने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया दिस इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज है सो शेयर बॉन्ड्स गोल्ड रियल एस्टेट ये सब जगह पे उसने इन्वेस्ट किया भाई ये सारे जगह पे ये सारे जगह पे उसने इन्वेस्ट किया 20 लाख ,00 रुपया आ गया अपने पास एंड ये 20 लाख ,00 रुपए इन्वेस्ट करके ठीक है नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट ये 20 लाख ,00 का से रुपीज ट्वेंटी लाख हो गया ठीक है तो जो फाइव लाख ,00 रुपीज उसने कमाया चलो आई राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज सो ट्वेंटी लाख का इन्वेस्टमेंट किया ये ट्वेंटी लाख ,00 इन्वेस्ट करके इट बिकेम ट्वेंटी फाइव लैख इन ऑफ वन ईयर ट्वेंटी फाइव लैख इन ऑफ वन ईयर ये जो फाइव लाख ,00 रुपीज ये जो फाइव लाख ,00 रुपीज का इनकम आया है ना ये इनकम में से उसने अपना प्रोफेशनल फीस माइनस कर दिया वो तो उसने पहले से बोला ही था तो उसने बोला था जो भी इनकम आएगा उसका टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ द इनकम किया नेट इनकम कितना बच गया नेट इनकम रुपीज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड नेट इनकम रुपीज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ये जो फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर्स तो कितने यूनिट होल्डर्स थे बोलो बोलो टेल टेल कैन आई से टू थाउजेंड यूनिट होल्डर्स थे या टू थाउजेंड यूनिट थे फॉर दैट मैटर बराबर है सो फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव पर यूनिट सारे के सारे यूनिट्स को दे दिया रुपीज टू ट्वेंटी फाइव पर यूनिट रिटर्न टू ऑल ऑल द द यूनिट यूनिट होल्डर्स होल्डर्स वर वी हजार रुपए वो लोग ने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट तो है ही बट यहां पे उसमें से थोड़ा रिटर्न मिल गया है एंड दैट इज वॉट दे इन्वेस्टेड इट फॉर क्या आप लोग को ये पूरा सिस्टम समझ में आया इसको इस रिटर्न को जिस जो जो डिस्ट्रीब्यूट किया रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको आप एमएफ डिविडेंड भी बोल सकते हो क्या आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया अरे बोलो बोलो टेल टेल एवरीबॉडी यस करेक्ट ओके अब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आज की तारीख में भी यही सिस्टम यूज होता है एंड एक एक चीज को भी अपन लोग नाम देना चालू करते हैं ठीक है आप मेरे को बताओ अगर जो भी इस यूनिट को सब्सक्राइब कर रहा है उसको आप क्या बोलोगे हुएवर इज सब्सक्राइबिंग टू द यूनिट्स उसको आप क्या बोलोगे ठीक है ना इस 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 डेट में इस डेट पे जिसने भी सब्सक्राइब कर लिया चलो से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कुछ नाम ले रहा हूं से मानसी इन्वेस्टेड टेन थाउजेंड रुपीज मतलब टेन यूनिट्स मानसी को मिल गया मेघना इन्वेस्टेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज सो so, मेघना को ट्वेंटी फाइव यूनिट मिल गया ज्योति इन्वेस्टेड थाउजेंड रूपीज उसको वन यूनिट मिल गया ऐसे करते करते तुम लोग सब लोग को अपना अपना यूनिट मिल गया सो so, जिस जिस को भी यूनिट्स मिला है दे वर कॉल्ड एज यूनिट होल्डर्स उनको क्या बोलते हैं बेटा यूनिट होल्डर्स सो so, सो so, सो so, सो so. इन्वेस्टर्स

पहला बात एकदम क्लियर हो गया मस्त नो no प्रॉब्लम दूसरा हाँ दूसरा अच्छा मेरे को बताओ मेरे को बताओ कि ये कौन से पीरियड में अपने को सब्सक्राइब करना था कौन से पीरियड में अपने को सब्सक्राइब करना था फिफ्टींथ ऑगस्ट टू ट्वेंटी ऑगस्ट इसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर ड्यूरेशन ठीक है सो बेसिकली एवर अ न्यू म्यूचुअल फंड इज लॉन्च जैसे हमारे वीके भाई साहब ने किया इट इज कॉल्ड एज एन एफ ओ न्यू फंड ऑफर गॉट गॉटेड गाइज गॉट इट समझ में आ रहा है ठीक है ये जो फिफ्टी थाउजेंड उसने लिया उसको क्या बोलते हैं एएमसी फीस म्यूचुअल फंड फीस प्रोफेशनल फीस सर एम सी एसेट मैनेजमेंट फीस क्या से वो अपना एसेट मैनेज कर रहा है उसके लिए अपन उसको एक फीस दे रहे हैं सो यहां पर थर्ड कौन से फीस चार्ज बाय अ प्रोफेशनल टू मैनेज एंड जनरेट रिटर्न फॉर द म्यूचुअल फंड उसको क्या बोलते हैं इट कैन बी कॉल्ड एज ए एम सी फीस इट कैन बी कॉल्ड एज प्रोफेशनल फीस फंड मैनेजर फीस वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एज क्या समझ में आ गई आप लोगों को ये चीजें बोलो बोलो टेल टेल एंड जो भी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल फंड डिविडेंड सो रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी बराबर म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी टू द यूनिट होल्डर्स इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड डिविडेंड ठीक है सो हिस्ट्री से कनेक्ट करके आप लोग को काफी सारे टर्म्स मैंने समझा दिए हैं क्या आप लोग को ये टर्म समझ में आ रहेगा यूनिट होल्डर्स न्यू फंड ऑफर का पीरियड ठीक है फिर बाद में रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोफेशनल फीस चार्ज किया ओके okay. क्या आप लोग ये सब लिखना चाहोगे चलो प्लीज राइट इट डाउन गिविंग यूर टू मिनट्स, प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। थिंग कौन गाइड स्टार्ट ओके ओकेज ओकेज सो अब अपने को समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली कैसे डेवलप हुआ व्हाट वाज़ द थॉट प्रोसेस एंड क्यों एग्जैक्टली अपन लोग ये कर रहे हैं अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को क्या आप लोग कभी भी इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे या देर वॉज अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग विच यू कुड डू इट बोलो टेलमी गाइफ क्या मेरे को जब मन किया तब मैं जा सकता था और ले सकता था म्यूचुअल फंड से फॉर एक्साम्पल फिफ्टीन से ट्वेंटी अगस्त का टाइम दिया है उसके बाद अगर मेरे को म्यूचुअल फंड खरीदना है जैसे अभी अगर मेरे को किसी ने बोला अरे क्या मस्त रिटर्न मिल रहा है वेन कैटविज के म्यूचुअल फंड uh, में कम ऑन लेट्स गो एंड इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड सो टेल मी विल यू इन्वेस्ट और विल यू नॉट इन्वेस्ट आई मीन विल यू बी एबल टू इन्वेस्ट और नॉट एबल टू इन्वेस्ट स्वरूप अदर्स कमन नॉट एबल टू इन्वेस्ट करेक्ट करेक्ट यू गाइज आर राइट ऐसे म्यूचुअल एंडेड फंड ठीक है ऐसे म्यूचुअल कहते हैं क्लोज एंडेड फंड हमारा जो ये वेन कैटविच था ना करेक्ट इसमें अपन बीच में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे ठीक है सो इसको कहते हैं क्लोज एंडेड फंड मेरे साथ लिखोगे मेरे साथ साथ में अभी लिख लू ठीक है सो वॉट वी विल राइट डाउन दैट सिंस द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एन एफ ओ न्यू फंड ऑफर पीरियड Okay. Since the period of investment was restricted to NFO period, new fund offer period, such type of funds. are called as closed ended funds okay are called as closed ended funds got it guys ठीक है तो ये सिस्टम चलते रहा अच्छा था ये सिस्टम ठीक है जिसको चाहिए जब वो आया ले लिया बट आई से अब एक नए सिस्टम की जरूरत थी क्या नया सिस्टम समझ रहे हो कि मेरे को जब चाहिए मैं इन्वेस्ट करूं मेरे को जब चाहिए मैं विद्रॉ करूं उसको सिस्टम को क्या बोलेंगे करेक्ट so, अब क्या हुआ ध्यान से समझना इट ऑल स्टार्टेड इन यूरोप यूरोप की एक जगह थी नेदरलैंड यूरोप की एक जगह थी नेदरलैंड इस नेदरलैंड में वी के करके एक बंदे ने ठीक है एम का डिस्कवरी आविष्कार कर दिया है बट इसको टेक फॉरवर्ड किया अमेरिका ने इन द ईयर 1924 बोस्टन बॉस्टन में बॉस्टन में They introduced a fund. They introduced a fund second, where you could invest at any time. Introduced a fund. वेर यू कुड इन्वेस्ट एनी टाइम और इसको नाम दिया गया इसको नाम दिया गया ओपन एंडेड इसको नाम दिया गया ओपन एंडेड ठीक है अब सुनो अब सुनो डिफरेंस समझने की कोशिश करो क्या इसे वैन कैटविच ने जो निकाला उसमें उसने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले थे वैन कैटविच ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले थे बोलो नो no. बोलो बोलो चल चल याद करो यस टू थाउजेंड यूनिट करेक्ट और वो टू थाउजेंड यूनिट आप कोई एन एफ ओ के टाइम पे सब्सक्राइब कर सकते थे करेक्ट सो so, वैन कैटविच बोला कि भाई मेरे को खाली मैं तो खाली टू थाउजेंड यूनिट निकालूंगा करेक्ट सो so, कैन आई से यहां पे वैन कैटविच वाले में लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ही इश्यू हो सकते थे करेक्ट नो इस वैन कैटविच वाले को अपन लोग ने क्या नाम दिया कैसा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है ये आप लोग को है कैसे टाइप का म्यूचुअल फंड था ये बोलो बोलो चल चल कैसे टाइप का म्यूचुअल फंड था ये करेक्ट क्लोज एंडेड तो क्लोज एंडेड में अपने को समझ में आ गया भाई अनलिमिटेड लिमिटेड यूनिट है बट फिर बाद में बॉस्टन एमआईटी में बॉस्टन एमआईटी में जो म्यूचुअल फंड आया वो कैसा था ओपन एंडेड अब ओपन एंडेड में यू कैन परचेज एंड यू कैन सेल एट एनी टाइम बराबर है यू कैन यू कैन परचेज एंड सेल एनी टाइम तो यहां पर क्या रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट रहेगा क्या नो एंड no. यहां पर फिर एक कॉन्सेप्ट आया अनलिमिटेड यूनिट्स का यहां पर कॉन्सेप्ट आया अनलिमिटेड यूनिट्स का आवी क्लियर एवरीबॉडी समझ में आ रही है बातें कक्ष अच्छा, सो सो ओपन एंडेड के बारे में अपन लोग लिख लेते हैं ओपन एंडेड यूनिट्स के बारे में लिख लेते हैं अपन लोग ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड सो एनी टाइम परचेस एनी टाइम सेल बराबर है उसको बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड सो इन अ म्यूचुअल फंड वेर एनी टाइम परचेज एंड सेल इज पॉसिबल इज कॉल्ड एज जी हां ओपन एंड म्यूचुअल फंड गड इट गाइस समझ रहे आप लोग कैसे सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट ओपन लोग डेफिडिशन को आइडिया लेते जा रहे हैं चलो फटाफट राइट इट डाउन गाइस गाइज कमन कौन Chalo, done guys. Hey guys, done. Chal, sure. now. अब समझ में आ गया है पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो कि भाई ये नो क्यू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्यू म्यूचुअल फंड आया क्या होता है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड एक आइडिया आ गया एंड अच्छा खासा इसमें रिटर्न भी आने लग गया लोगों को सो so नाउ मैं आपको पूछता हूं समझो समझो मैं लॉन्च करता हूं एस के म्यूचुअल फंड या मैं आपको बोलता हूं रादर मैंने लॉन्च कर लिया है समथिंग कॉल्ड एज एस के म्यूचुअल फंड ट टू इन्वेस्ट इन दिस एसके म्यूचुअल फंड बोलो बोलो चल चल यस चलो ओके सो अब अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यू विल हैव टू परचेज द यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड बराबर है सो इफ एन इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू

परचेज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यू विल हैव टू परचेज ऑलरेडी इन्वेस्टेड नाउ रिजल्ट में एट्टी परसेंट प्लस लाना है यही रिटर्न है वाओ वेल सैड यू विल हैव टू परचेज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आ, कितने में परचेस करोगे कितने में परचेस करोगे बोलो द प्राइस समझ रहे हो तुम लोग द प्राइस और वैल्यू एट विच दिस म्यूचुअल फंड विल बी परचेस्ड ज कॉल्ड किस पे परचेज करेंगे किस पे परचेस करेंगे क्या प्राइस पे करेंगे क्या वैल्यू पे परचेस करेंगे इज कॉल्ड एज एन ए वी इसका मतलब नेट एसेट वैल्यू जी हा नेट एसेट वैल्यू जी हा Are we understanding, guys? Bolo, bolo, tell, tell. ठीक है? देखो अब मेरे को बताओ क्या ये नेट एसेट वैल्यू चेंज होता है क्या द आंसर इज यस जैसे आपका शेयर प्राइस क्या आप लोग ने कभी शेयर प्राइस देखा है शेयर प्राइस चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस एम आई राइट यस सर अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं गोल्ड क्या गोल्ड प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होता है क्या तुम लोग ने देखा है कभी ये सब गोल्ड वोल्ड का कभी देखा है चलो देखते हैं अपन लोग गोल्ड प्राइस इन मुंबई चलो डालते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल डालते हैं गोल्ड तो क्या ये गोल्ड प्राइस चेंज होता है क्या एवरी डे येस इट चेंजेस एवरी डे ठीक है so ये देखो एवरी डे बेसिस पे ये देखो चेंज हो रहा है कभी इधर कभी ऊपर थर्टी ये कभी नीचे सो 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 जैसे यहां पे गोल्ड प्राइसेस चेंज होता है जैसे यहां पे चेंजेस चेंजेस ऑन डेली बेसिस वैसे ही आपका नैब भी डेली बेसिस पे चेंज होता है सो म्यूचुअल फंड किस पे ट्रेड होता है म्यूचुअल फंड ट्रेड होता है नेट एसेट वैल्यू पे एंड दिस नेट एसेट वैल्यू चेंजेस ऑन डेली बेसिस चेंजेस ऑन डेली बेसिस आर वी क्लियर एवरीबॉडी समझ में आया इतना किसी को कोई डाउट समझ में आ गया इतना एकदम सब लोगों को मस्त में क्लियर हो गया है ठीक है सो यू विल परचेस ऑन सेल ऑन भाई जो भी चल रहा है उसका जैसे शेयर मार्केट में अगर शेयर परचेस करना है वो भी मैं तुम लोगों को डिटेल में बताऊंगा बट अगर मैं इधर एक एग्जाम्पल डालता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूं भाई मेरे को परचेस करना है रिलायंस का शेयर रिलायंस शेयर तो ये रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है टू फोर सेवन फोर पॉइंट फाइव तो ये देखो बढ़ रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है बस वैसे ही मेरा यहां पे वैसे ही मेरा यहां पे म्यूचुअल फंड होता है बट दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ नेट एसेट वैल्यू नेट एसेट वैल्यू चलो अब एक लास्ट चीज में आप लोग को एक एग्जाम्पल देने वाला हूं एंड उसके बाद वी विल ऑलमोस्ट से टन ठीक है क्योंकि Again, मेरे को स्टार्टिंग का सेशन एकदम लाइट रखना है सो दट वी कैन इजिली गो अपमेटिकली चलो आ जाओ अब मैं आप लोग को, लो को मुझे जवाब देना लेट स्टार्ट देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगा पाते हैं ठीक है ना आप लोग को दिमाग लगाना है मैं क्या कर रहा हूं पता है मैं कभी भी एग्जाम्पल लेता हूं एग्जाम्पल से मैं कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता हूं और फिर उससे मैं फॉर्मूला को डिराइव करता हूं ठीक है तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरे को नैब का फॉर्मूला डिराइव करना है ठीक है तो मैं नैब का फॉर्मूला डायरेक्टली डिराइव नहीं करूंगा एक एग्जाम्पल लूंगा आप लोग से ही डिराइव करवाऊंगा आओ देखो मैं दिखाता हूं कैसे चलो समझो आप लोग में से मुझे किसी को पोर्टफोलियो मैनेजर बनाना है एनी वन ऑफ यू हू सेज मी फर्स्ट विल बिकम माई पोर्टफोलियो मैनेजर देखते हैं कौन बोलते हैं मी फर्स्ट कौन बोलते हैं मी लेट्स सी you want to become the portfolio manager okay Swaroop ji ne kaha hai sabse pehle me thalodi wale Swaroop ji so Swaroop is my portfolio manager Swaroop is my portfolio manager ab dhyan se sunna ठीक है portfolio manager या you can say mutual fund manager और ये मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर है ठीक है आओ अब ध्यान से एवरीबॉडी है नाउ यू हैव टू आंसर सो फोकस फर्स्ट जैन को स्वरूप लेकर आया एक एनएफओ एक एनएफओ ठीक है अब एन एफ ओ पे यूजुअली क्या होता है वो डिसाइड करते हैं कि कितना यूनिट्स वो लोग को इशू करना है तो एन एफ ओ ने डिसाइड किया दे वांट टू इश्यू टू थाउजेंड यूनिट टू थाउजेंड यूनिट्स टू बी इशू टू थाउजेंड टू बी ईशूड डन 2000 यूनिट्स टू बी इश्यूड ओके आगे देखते हैं एक यूनिट का उन्होंने प्राइस रखा अब एनएफओ पे वो खुद ही नैब डिसाइड करता है कंपनी एक एनएफओ का वो लोग लो ने एक यूनिट का नैब रखा 100 पर यूनिट 100 पर यूनिट ठीक है तो मेरे को बताओ और ये पूरा सब्सक्राइब हो से ये पूरा सब्सक्राइब होगा ठीक है तो दिस इज से फुल्ली सब्सक्राइब तो मुझे बताओ स्वरूप के पास कितने पैसे आ जाएंगे स्वरूप हमारे मैनेजर के पास कितने पैसे आ जाएंगे सपोज इट इज फुल्ली सब्सक्राइब सपोज इट इज फुल्ली सब्सक्राइब चल इधर तक सब लोग को समझ में आ रही है बात ठीक है डन अब स्वरूप ये पैसा अपने पास लेके भाग जाएगा क्या नहीं क्या करेगा स्वरूप इस पैसे का स्वरूप <laughs> इस पैसे का क्या करेगा बेटा बोलो बोलो चल चल वेरी गुड इन्वेस्ट करेगा अज्यूम करते हैं फिलहाल वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है बाकी कहीं नहीं वो खाली शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है चलो लेट्स से ये टू लाख रुपीज स्वरूप इन्वेस्ट इन शेयर्स स्वरूप इन्वेस्ट इन शेयर्स इन ठीक है अब उसने क्या इन्वेस्ट किया चलो अब इसने क्या इन्वेस्ट किया टू लाख रुपीज इन शेयर कैसे इन्वेस्ट किया चलो वो मैं आपको बताता हूं सो so, ये टू लाख रुपीज थे उसके पास इन्वेस्ट इन शेयर okay. कैसे इन्वेस्ट किया देखो जी उसने से फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया रिलायंस के शेयर में फिफ्टी uh, परसेंट एन से उसने टीसीएस के शेयर में फिफ्टी परसेंट इन्वेस्ट किया मैं आप लोगों को खाली बता रहा हूं कि एक शेयर का वैल्यू कितना है आपको बताना है कितने शेयर में टोटल क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है सो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होता है सो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ रिलायंस रुपीज टू हंड्रेड पर शेयर एंड ये है रुपीज से एट हंड्रेड पर शेयर आपको बताना है रिलायंस स्वरूप ने कितना कितना किसमें इन्वेस्ट किया चलो फटाफट -फड़ बताओ फटाफट -फड़ बताओ बोलो चलो 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 सो कैन आई से स्वरूप के पास टोटल टू लाख रुपीज आया आपने बोला सर फिफ्टी परसेंट सॉरी एंड फिफ्टी परसेंट बराबर है सो आई से कैन आई से फिफ्टी परसेंट मतलब रुपीज वन लैख सॉरी आई से फिफ्टी परसेंट मतलब रुपीज वन लाख एंड क्या इससे फिफ्टी परसेंट मतलब और रुपीज वन लैख इन्वेस्ट हुआ है यहां पे ठीक है कितना शेयर्स इन्वेस्ट किया रहेगा कितने शेयर्स खरीदे होंगे रिलायंस के एंड टीसीएस के बोलो वेरी गुड वेरी गुड मेरे पास आंसर्स आ गए हैं सर अगर उसके पास एक लाख शेयर रुपीज है एंड टू हंड्रेड पर शेयर है रिलायंस का सर फाइव हंड्रेड शेयर्स रिलायंस के लिए होंगे एंड वन लैख डिवाइड बाई एट हंड्रेड शेयर्स विच इज वन ट्वेंटी फाइव शेयर उसने टी सी एस के खरीदे होंगे क्या आप लोगों को विजुअलाइजेशन हो रहा है म्यूचुअल फंड कैसे फंक्शन करता है एंड यू विल नॉट बिलीव दिस इज एक्चुअली हाउ द हाउ द फंक्शन ये सारा काम उसने फर्स्ट ऑफ जैन को कर लिया जब कंपनी का नैब था रुपीज हंड्रेड पर यूनिट रुपीज हंड्रेड पर यूनिट ए गच्चा एवरीवन डन सर डन डन गप्चा टोटली गप्चा चल अब इधर तक सब लोग को समझ में आ गया है इधर तक सब लोग को समझ में आ गया है Done. अब सुनो जो फंड मैनेजर होता है ना फंड मैनेजर इसी के पास टाइम है इसी के पास नॉलेज है ठीक है अब इस फंड मैनेजर के पास सपोज ये ओपन एंडेड फंड था ठीक है चलो इधर मैं लिख देता भाई ये ओपन एंडेड फंड था ठीक है अब इस फंड मैनेजर के पास फिफ्थ जैन को कॉल आया ठीक है स्वरूप के पास कॉल आया और स्वरूप को कॉल किया मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने बोला आई वॉन्ट टू परचेज आई वॉन्ट टू परचेज हंड्रेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ योर कंपनी आप मेरे को बताओ स्वरूप इनको कितने में देगा क्या स्वरूप इनको हंड्रेड रुपीज में दे देगा रुपीज हंड्रेड पर यूनिट इधर मैं लिखता हूं से ही वॉन्ट्स टू परचेज टू हंड्रेड तो क्या स्वरूप इनको 200 हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट हंड्रेड पर यूनिट इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड क्या स्वरूप इनसे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज मांगेगा हा या ना फिफ्थ जैन को फिफ्थ जैन को स्वरूप को कॉल आया मिस्टर ए e का मिस्टर ए e बोल रहा है बॉस मेरे को वन हंड्रेड यूनिट टू हंड्रेड यूनिट चाहिए तो क्या स्वरूप उसको उतना यूनिट्स हंड्रेड पर यूनिट के हिसाब से दे देगा स्वरूप ने तो मुझे ऑलरेडी आंसर दे दिया नो सर नो वेज अदर्स वॉट डू यू फील फिल गिव यूट हंड्रेड रुपीज नै हा नो सर नो वेज हंड्रेड रुपीज तो उसके लिए है हंड्रेड रुपीज तो उसके लिए है जिसने फर्स्ट डे पे सब्सक्राइब किया था क्या इससे अब तो ये नैब चेंज हो गया होगा बिकॉज नैब चेंजेस ऑन डेली बेसिस अभी अंडरस्टैंडिंग तो कैन आई से इसको करंट नैव के हिसाब से सो कैन आई से स्वरूप इनको बोलेगा यस सर यू कैन परचेज बट एट करंट नैव पर यूनिट तो कैन आई से अब फटाफट स्वरूप इसका करंट नेव पर यूनिट कैलकुलेट करने को जाएगा स्वरूप भागा और फटाफट करंट नैव पर यूनिट कैलकुलेट करने गया बट कैसे करेगा करंट कैलकुलेट तो वो देखेगा कि रिलायंस का, का उसके पास कितना शेयर हंड्रेड शेयर उसके पास कितना शेयर्स है 125 ट्वेंटी फाइव शेयर है वो इमिजिएटली स्टॉक मार्केट पे जाएगा और देखेगा कि स्टॉक मार्केट पे ये रिलायंस का शेयर जो जिस दिन खरीदा था 200 का था आज बढ़कर हो गया है टू रुपीस टू फिफ्टी पर शेयर एंड 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 टीसीएस का शेयर बढ़ के हो गया है फ्रॉम फ्रॉम रूपीज एट हंड्रेड पर शेयर टू रुपी से नाइन हंड्रेड पर शेयर तो अब इमीडिएटली बताओ क्या वैल्यू हो गया है? क्या वैल्यू हो गया ये मार्केट प्राइस पर शेयर अपना अब टू फिफ्टी पर शेयर हो गया है और नाइन हंड्रेड पर शेयर हो गया है तो आप मेरे को बताओ क्या यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगा एक बोलो बोलो चल चल सो so, कितना हो जाएगा वैल्यू इट विल बिकम फाइव हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी रुपीज वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड एंड नाइन हंड्रेड इंटू वन टी फाइव इट विन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट विन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी अंडरस्टैंडिंग कहना इसे अब टोटल वैल्यू कितना हो गया इसका वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्वरूप बराबर क्या मैं सही बोल रहा हूँ स्वरूप जी आप मैनेजर है भाई कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे दिस इज फॉर कैन आई से टू थाउजेंड यूनिट क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतने ही थे मेरे पास टू थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय टू थाउजेंड ये हो जाएगा रुपीज वन वन एट पॉइंट सेवन फाइव कैन से ये हो जाएगा मेरा रिवाइज या न्यू नैप एज ऑन फिफ्थ जैन तो आज अगर मिस्टर ए को इन्वेस्ट करना है ही विल इन्वेस्ट एट रुपीज वन वन एट पॉइंट सेवन फाइव पर यूनिट तो उनको अगर 200 यूनिट खरीदना है तो 1175 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 200 यूनिट्स उनको अपन क्या बोलेंगे अंकल 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 रुपीज ट्वेंटी थ्री सेवन फिफ्टी पे कर दो इस ट्वेंटी थ्री सेवन फिफ्टी पे कर दो अभी क्लियर एवरीबॉडी समझ में आ गया आप लोग को ये अपन ने क्या किया पूरा लॉजिकली क्लियर हो गया सबको Yes, guys, please confirm. Done. And this is how NAV is calculated. तो कैसे calculate किया ये NAV? क्या ना इसे हमारे जो investments थे उनको market value पे लेकर आए अपन लोग उसके market value पे लेकर आए and फिर divide कर दिया

Divide by outstanding number of units. Divide by outstanding number of units. Hey, something Are we clear everyone? Got it, got it? चलो इधर तक सब लोग को एकदम सिस्टमैटिकली क्लियर है गाइस एनी क्वेश्चन एकदम सही जा रहे अपन नैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन म्यूचुअल फंड क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका परचेज सेल डिसाइड होता है राइट right? so, इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली प्रॉपरली एकदम चलो सब लोग ने कंफर्म कर दिया है दैट यस सर वी हैव अंडरस्टूड दिस यहां तक सर एकदम एकदम क्लियर है हमारी चीजें ओके गाइस डन चलो सो so, अब आ, इसी चीज में और आगे अपने को बढ़ना है और अच्छे लेवल पे जाना है बट फॉर नाउ वॉट आई विल डू इज के आई विल होल्ड ऑफ माई टूडे सेशन योर ठीक है सो जैसा मैंने बोला मैं धीरे 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 इसको बिल्डअप करते जाऊंगा सो so, जैसे जैसे आ, और लेक्चर्स होते जाएंगे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन क्या इधर तक सब लोग सही है साथ में मेरे डन समझ में आ गया सबको चलो दैट्स रियली रियली ग्रेट टू नो ओके प्लीज अभी आप लोग फटाफट ये लिख लो एंड देन वी विल से अस्तलाविस्ता और फिर कल मिलेंगे कल मैं आप लोग के बुक में से सम्स करवाना स्टार्ट करूंगा स्पेशली यू एक्साइटेड नाउ टू स्टार्ट द सम्स आल्सो कल आपका सम्स भी स्टार्ट हो जाएगा तो आज एक चैप्टर स्टार्ट हो गया है आप लोगों को समझ में आ गया का कैसा है मेरा तरीका आई विल गिव यू एग्जांपल्स एग्जांपल्स के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट कनेक्ट करूंगा एंड फिर फॉर्मूला मैं नहीं आप ही डिराइव करके मुझे बता दोगे राइट 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 चलो ओके टाइम फॉर कल मिलते हैं कुछ और अच्छी चीजों के साथ तो कल सेशन का ड्यूरेशन और बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विल रीच टू द पीक वेर वी वॉन्ट टू बी टेक केयर कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच अस्ता यस ये अभी मैं अपलोड भी कर रहा हूं आप लोग कॉपी भी कर सकते हो एंड देन ये आप लोग के गूगल ड्राइव पे अपलोड भी हो जाएगा प्लीज स्टार्ट Hasta la vista.